नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में रेबिका हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के चर्चित रेबिका हत्याकांड मामले में साहिबगंज पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी मैनुल हल अंसारी को दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इधर SP अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले में पुलिस ने पूर्व में ही 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि मुख्य हत्या का आरोपी मैनुअल हल अंसारी फरार चल रहा था। इधर SP ने मैनुअल हल अंसारी को गिरफ्तार करने वाले बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान, SI निरंजन कच्छप सहित अन्य कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। साहिबगंज जिला ब्यूरो, उज्ज्वल सिंह की रिपोर्ट। बीते 17 दिसंबर को बोरियो थाना अंतर्गत एक मानव अंग के क्षत विगत अंग प्राप्त हुए थे, जिसके आलोक में बोरियो थाना कांड संख्या 320-22 दर्ज की गई थी और उसके अनुसंधान के क्रम में रेबिका पहाड़िया को मृतक के रूप में चिन्हित किया गया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधि ने 5 डेज करीब 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इस घटना के एक मुख्य आरोपी मैनुअल अंसारी फिरार चल रहे थे और साहिबगंज पुलिस लगातार उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी और अंततः सफलता प्राप्त की, उसे गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से। और इस टीम में हमारे अफसर इंचार्ज बोरियो, साथ में निरंजन और अन्य 2 पुलिसकर्मी ने बेहतर काम किया है और उसे गिरफ्तार किया है। इस तरह इस घटना में शामिल अभी तक सारे लोग पकड़े गए हैं। इसके बयान पे अगर कोई अन्य बातें या अन्य व्यक्ति के नाम आते हैं तो उसकी हम लोग जांच करेंगे, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इस टीम ने इसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत ही बेहतर काम किया है, पेशेवर तरीके से इस अपराधी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। यह निश्चित ही साहिबगंज पुलिस के लिए एक सौभाग्यशाली दिन है आज का। सर, इसकी भूमिका क्या रही है मैनुअल की इस कांड में? इस कांड में भूमिका अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि इसने शव को छिपाने में या इधर उधर करने में अभी तक इसने स्वीकार किया है। शेष पूछताछ जारी है, आगे उसको मारने में काटने में क्या भूमिका रही है तथा योजना बनाने में निश्चित रूप से शामिल रहा, क्योंकि जो मृतका है इसकी अपनी दीदी जो लगती है उसकी बहू थी, इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका में है। षड्यंत्र तो इन्होंने रचा ही है, क्या कार्रवाई इनके द्वारा की गई विस्तृत पूछताछ से ही स्पष्ट होगा। और जानकारी के लिए निश्चित इन्हें रिमांड पर लेके जो हथियार प्रयुक्त हुए हैं या फिर जो इसके निशानदेही पे जो भी घटनाक्रम है, घटनास्थल है, उसको हम चिन्हित करवाने का अनुसंधान के क्रम में डिटेल्स इनके पूछने के बाद अब सारे अभियुक्त मिल गए हैं, तो इसके पहले जो भी अनुसंधान थे उसमें कहीं ना कहीं कोई कड़ी मिसिंग थी। अब सारे प्रश्नों को हम लोग एक साथ लेके आपस में क्रॉस करके एस्टैब्लिश करेंगे कि किसने क्या रोल अदा किया। सर, इस केस में है ना स्पीडी ट्रायल कराने की बात सामने आई थी सर, तो इसके लिए भी पहल की गई है पुलिस? अभी तक जो शेष 10 अभियुक्त जो पूर्व में गिरफ्तार किए जाते थे उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है, अब ये गिरफ्तार हो गया है। इसके बाद जो भी अनुसंधान के बिंदु आएंगे उस पर हम लोग अनुसंधान करके निश्चित रूप से त्वरित निष्पक्ष विचारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। ठीक है।